तो जोगिनी माँ केला देवी की दरबार गई। सुनने वाली भजन सब ध्यान से सुने। जब लौट कर आए तो भवन के बाहर लिलहार बैठी हुई थी। लिलहार जानते हो? जानते हो दीदी? लिलहार, लिलहार कहते हैं जो हाथ पर नाम लिखते हैं, जो नाम घुसते हैं। तो उसने कहा दीदी आप नाम लिखवा लीजिए, आप दरबार आई हैं आप नाम लिखवा लीजिए। तो जोगिनी ने कहा मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि मैया की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, अगर नाम लिखोगी तो एक ही शर्त है, जिस अक्षर से मैया का नाम शुरू होता है, जिस अक्षर से मेरे अंग का नाम शुरू होता है, उसी अक्षर से मेरी मैया का नाम शुरू होना चाहिए। ये शर्त रखी किसने? जोगिनी ने लिलहार। आइए किस प्रकार नाम लिखे जा रहे हैं। जैसे केस पहला अक्षर है क, तो मैया का नाम भी किससे शुरू होना चाहिए? का से, है ना? का से शुरू। सुनिए ध्यान से बड़े भाव से। लिहार जिस कलम से तू लिखे वो कलम पहली बात तो सत्य की होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? सत्य की। और जो स्याही हो वो धर्म की हो। तो मेरी ये शर्त है कि सत्य की कलम हो भैया और धर्म की दवात। जो जो मैं तुझसे कहूं लिख दे बहना। एक बार ताली बजा दी मैया केला रानी के लिए। आई मिलकर गाए ओ मैं पूछूंगा नाम कहां तक चले गए, जो बताएगा उसे मैया के दरबार से खजाना मिलेगा। मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, केसों पे लिख कल्याणी, कासे केस कासे कल्याणी। मेरी बहना केसों पे लिख कल्याणी, मस्तक पे लिख महारानी, लिख से देखा हूँ जो जो नाम मस्त है सर। एक बार ताली बजा दीजिए। सादा मत करो चलने दो मेरा तो। हाँ वैसे कलाकार है। आगे आइए। भक्ति पे पे भजन लिख दे। सादा मत करो। भक्ति पे भजन लिख दे पलकों पे चारी। भक्ति पे भजन लिख दे पलकों पे चारी। कमला वाली
तक एक बार मिलकर गाए। ओके ससुर लगो है परिवार के तरे सब करे पे खुशबान लिख करके कटों पे खुशबान लिख करके वही नाम आ रहे हैं भोजन पे लिखी भाग्या भगवती भव मोचनी भवानी। और आगे पहुंचे परपुर साथ लिखी उंगलियों पे अंबेधानी पहुंचे परपुर साथ लिखी उंगलियों पे अंबेधानी कहना नाभी पे चपाती कट पे लिखी खपचा चहरी आगे देखें क्या लिखा। जागो पर जगदम्बे ज्वाला पिंडलिल पर्वत वाली सबसे अंतिम भाग कौन सा है शरीर का अंतिम भाग कौन सा है उंगलियां तो हो गई तलवा। अब तलवे पर भैया का नाम नहीं लिख सकते तो क्या लिखा